और इधर लखनऊ में राजनीतिक दल के अध्यक्ष गोपाल राय के यहाँ पर सुबह से छापेमारी टीम कर रही है। अधिकारी सुबह से गोपाल राय के यहाँ पर कर चोरी से संबंधित दस्तावेज तलाशने में जुटे हुए हैं। इस पूरे मामले पर हमारे सहयोगी शेखर आनंद की ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी लखनऊ में लालकुएं पर स्थित गोपाल राय का घर है, जो राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये उनका पोस्टर लगा है और ये उनका मकान है। यहाँ इनकम टैक्स की रेट पड़ी है। बताया जा रहा है कि ये अपनी एक राजनीतिक पार्टी चलाते हैं और साथ ही केंद्रीय लोक शिकायत एवं जांच संस्थान के नाम से एक संगठन भी इन्होंने बना रखा है। तमाम नेताओं की और बड़े बड़े अधिकारियों की, जिसमें आईएएस भी हैं और आईपीएस भी हैं, ये फ़ोटो लगी हुई हैं, जो पोस्टर तैयार किया गया है। और ये आप देखिए कि यहाँ पर इनकम टैक्स विभाग की जो रेड है उसका क्रम जारी है। बताया जा रहा है कि छोटे छोटे राजनीतिक दल बना करके जो लोग चंदा इकट्ठा करते हैं और अलग अलग तरीके से धनोपार्जन करते हैं और सरकार के पास उसका कोई लेखा जोखा नहीं जाता है, उसी सिलसिले में बताया जा रहा है कि ये रेट पड़ी है यहाँ पर इनकम टैक्स विभाग की। राजधानी लखनऊ का ये लालकुआं इलाका है। फिलहाल इस दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया गया है और पुलिस का यहाँ पर पहरा है। ऊपर इनकम टैक्स विभाग की जो टीम है वो लगातार अपने काम को आगे बढ़ा रही है और किस तरीके से इनके पास चंदा आया है, किस तरीके से इन्होंने अपना संगठन खड़ा किया है, ऐसे तमाम जो दस्तावेज हैं, जो जानकारियां हैं, उसको भीतर जुटाया जा रहा है। हरिराम के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज इंडिया, लखनऊ। और चलिए अब सीधा लखनऊ का रुख कर लेते हैं, जहां से मेरे सहयोगी शेखर त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शेखर, जिस तरीके से सुबह से हम देख रहे हैं लगातार कि देश भर में आज इनकम टैक्स विभाग जो है वो पूरे एक्शन मोड में नजर आ रहा है, फिलहाल लखनऊ से क्या ताजा अपडेट? देखिए, लखनऊ में ये गोपाल राय का घर है जहां हम इस समय मौजूद हैं, यहीं पर इनकम टैक्स विभाग की रेड चल रही है। ये गोपाल राय का घर है, 65/25 छितवापुर रोड, लालकुआं, लखनऊ। और गेट लगातार बंद है फिलहाल सुबह से। इनकम टैक्स विभाग की जो टीम है वो 6 गाड़ियों में, बताया जा रहा है कि अधिकारी आए यहाँ पर और उसके बाद लोकल पुलिस यहाँ पर आती है और ये गेट बंद हो जाता है। ना कोई पिछले कई घंटों से बाहर आया है, ना ही यहाँ से कोई अंदर गया है। तो ये स्थिति है इस समय। जो उनके दस्तावेज़ हैं, जो कंप्यूटर, लैपटॉप और कई तरीके के संगठन ये चलाते हैं, जानकारी मिली है। कई एनजीओज़ हैं जो इन्होंने रजिस्टर करा रखी हैं, परिवार के अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उन एनजीओज़ को चलाते हैं। और इसी क्रम में एक ये लोक शिकायत एवं ठीक है शेखर का हम रुक करेंगे, किसी तकनीकी खामी की वजह से उनकी आवाज़ जो है वो नहीं आ पा रही है हमारे तक। तो बता दें आपको कि दरअसल देश भर में आज इनकम टैक्स विभाग जो है एक्शन मोड में नजर आ रहा है। दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुंबई, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, बेंगलुरु में आईटी की टीम ने कई बड़े कारोबारी समूह पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए जयपुर सीधा आपको लिए चलते हैं। और दरअसल जयपुर में भी छापेमारी लगातार चल रही है। दीपक चावला इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, राजस्थान के मिड डे मील घोटाले को लेकर के भी मुंबई में और कई जगह पर आईटी ने छापेमारी की है, फिलहाल क्या अपडेट है, कितनी टीमें वहां पर अभी पहुंची हुई है राजस्थान में? देखिए, बिल्कुल, राजस्थान के अंदर जयपुर के ठीक पास में कोटपुतली है, वहां पर राज्य मंत्री राजेंद्र यादव जो कि कांग्रेस के मंत्री है, उनके यहाँ पर जो छापेमारी की कार्रवाई है वो जारी है। इस वक्त कोटपुतली में उनकी फैक्ट्री राजेंद्र यादव की, वहां पर वो कार्रवाई जारी है। बताया जा रहा है कि आज सुबह से ही जो इनकम टैक्स की टीम है वो पहुंच चुकी है। करीब 100 से अधिक इनकम टैक्स की टीम, पुलिस का जाब्ता, 300 से ज्यादा पुलिस के कर्मचारी, ये तमाम टीम जो है वो मौके पर मौजूद है। अभी सुबह ये कार्रवाई जो है शुरू हो गई थी, अभी दोपहर का जो है लगभग 12 बजे का समय जो है वो हो चुका है। बताया जा रहा है कि कई जो कंप्यूटर में जो दस्तावेज होते हैं, हार्ड डिस्क होती है, मोबाइल का जो रिकॉर्ड होता है वो लिया गया है, इसके अलावा फाइलें जो है वो जब्त की गई है। इनकम टैक्स को सूचना मिल रही थी कि अनियमितता की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। ना सिर्फ जयपुर के कोटपुतले में बल्कि बताया जा रहा है कि जोधपुर में और राजस्थान के अलग अलग शहरों में ये कार्रवाई जारी है। राजेंद्र यादव जो है अभी राज्य मंत्री है और इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद करीबी बताए जाते हैं। राज्य मंत्री राजेंद्र यादव की फैक्ट्री पर यह छापा पड़ा है, उसके बाद मंत्री साहब की तरफ से कोई प्रतिक्रिया?
देखिए बिल्कुल उनकी प्रतिक्रिया आई है, वो कह रहे हैं कि राजनीति में अक्सर जो है बीजेपी इस तरह से परेशान करती रहती है, हमारा जो बिजनेस हमारा जो कारोबार है वो करीब 50 साल पुराना है, हम स्वच्छ काम करते हैं और बीजेपी जो है इस तरह से कार्रवाई करा के डराने की कोशिश करती है। हमेशा से जो कांग्रेस जो बयान देती आई है बस वही बयान उनका आया है, उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ से कोई जो है गड़बड़ घोटाला यहाँ पर नहीं हुआ है, इनकम टैक्स कार्रवाई करती है तो उनका स्वागत है, हम पूरी तरह से स्वच्छ और स्वच्छ काम जो है वो करते हैं। तो कह सकते हो वो अपना जो है बचाव कर रहे हैं, लेकिन इनकम टैक्स को ये सूचना मिल रही थी, अनियमितता की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद इनकम टैक्स की टीम जो है वो कार्रवाई कर रही है। फिलहाल राजेंद्र यादव जो उनका कहना है जिनके यहाँ पर कार्रवाई जारी है वो कह रहा है हमारा काम स्वच्छ है। अब स्वच्छ है या नहीं है ये तो इनकम टैक्स की जब कार्रवाई पूरी हो जाएगी उसके बाद ही ये खुलासा हो जाएगा। आज सुबह से ये कार्रवाई जारी है, माना जा सकता है कि अगले एक या दो दिन ये कार्रवाई जो है वो पूरी तरह से जारी रहने वाली है, क्योंकि इनकम टैक्स की कार्रवाई है उसको पूरा धरातल पे आने में जो है समय लगता है, कई सारी फाइलें जो है जब्त की गई है, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क है वो जब्त की गई है, मोबाइल रिकॉर्ड यहाँ पर लिए गए, तो ये जो है इनको चेक किया जाएगा उसके बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। हाँ। माना जा सकता है कि इस पूरी कार्रवाई में कई सारे अघोषित आय जो है लाखों की या करोड़ों में उजागर होने की संभावना है, हालांकि कितनी उजागर होगी इसके लिए भी समय लगेगा। इनकम टैक्स के अधिकारी बने रहिए हमारे साथ, गुजरात का भी हम रुक कर लेते हैं। मेहुल हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके।